नमस्कार, आप देख रहे हैं पाइनर हरियाणा और मैं हूं आपके साथ ओनिका महेश्वरी। कोरोना के 2 साल बाद शुरू हुई कांवड़ यात्रा को लेकर कांवड़ियों में भारी उत्साह और जोश देखने को मिल रहा है। जगह जगह इन कांवड़ियों के लिए सेवादारों ने शिविर लगा रखे हैं, जहां थके हारे कांवड़िये रुककर अपनी थकान मिटा रहे हैं। वहीं इस शिविर के सेवादारों की सेवा पाकर कांवड़िये काफी प्रसन्न नजर आए। ऐसा ही एक शिविर सेक्टर 29 पुल के पास ओल्ड फरीदाबाद के सेवादारों द्वारा लगाया गया है, जहां उनके रहने, सोने और खाने पीने की उचित व्यवस्था की गई है। इस शिविर में हर रोज करीब 500 कांवड़िए आ रहे हैं। मेरा नाम तो अमित है, पर यहाँ सेवादार है 100, पूरा ओल्ड फरीदाबाद सेवादार है यहाँ पे। ये 2 साल बाद लगा है, 8 साल से लगता आ रहा है और पूरे ओल्ड फरीदाबाद का शिविर है। यहाँ पे किसी कोई प्रधान नहीं है, यहाँ कोई नाम नहीं है और ये 29 के पुल में शिविर लग रहा है। यहाँ पे सभी शहर के लोग सेवा भाव से सही सेवा करते हैं। यहाँ पे कांवड़ियों का ध्यान अच्छे तरीके से रखा जाता है। 400-500 कांवड़िया का रोज यहाँ खाना बनता है और यहाँ पे हर आदमी का अपना एक डिपार्टमेंट है। हर बंदा अपना काम बड़े तन और मन से करता है, जो बोलते हैं उनको वो मिलता है। यहाँ पे अच्छे से अच्छा खाना बनाते हैं हम। यहाँ पे क्या नाम है, जितने भी हमारे सेवादार हैं दिल से तन मन धन से अच्छे से अच्छे सेवा, हर चीज उनको जो बोलते हैं उनके लिए वो अवेलेबल कराते हैं। मैं दीपक अग्रवाल, ये पिछले 20-25 सालों से लगता आ रहा है जी, और अभी 2 साल बाद लगा है। प्रशासन की तरफ से 2 साल कोविड के लिए बंद कर दिया गया था, इसलिए 2 साल बाद अब लगा है। कम से कम 150 से 200 कांवड़िया की हमारी रोज की एवरेज रुकने की आती है। अभी जो चलने वाले कांवड़िया हैं वो 500 से 700 कांवड़िया ऐसे होते हैं जो अपने आते हैं और निकल जाते हैं। यहाँ पे हर तरह की सुविधा है, वाटर प्रूफ टेंट लगाया हुआ है, दवाइयों की सुविधा, पानी की सुविधा, खाने पीने की सुविधा, रहने की सुविधा, जल की सुविधा और पीछे बाथरूम के लिए भी महिलाओं के लिए अलग से सुविधा है। ये हमारे फरीदाबाद वालों का कांवड़ का सेवा शिविर है, जो पूरे फरीदाबाद की तरफ से सब मिलकर करते हैं। सुमन लाल, 8 साल से लाल, मैं ओल्ड फरीदाबाद बाईपास के पुल पे रुका हूँ। ओल्ड फरीदाबाद वालों का जो शिविर है, इतने सालों से रुक रहे हैं, 4-5 साल हो गए रुकते हैं, बहुत अच्छा लगता है। और मैं तो कहीं रास्ते में रुकता भी नहीं, एक जगह मुजफ्फरनगर रुकता हूँ बस, वो भी खाली चाय पानी के लिए, बस सीधा इधर ही आता। बहुत बिहेवियर बहुत अच्छा और बहुत भोले की बहुत सेवादार है, इतनी सेवा करते हैं कि हमें तो यहाँ इतना मिलता है, सबको बहुत सेवा करते हैं, बहुत बढ़िया है। भोले बाबा की बहुत कृपा है, इनके ऊपर बनाए रखे भगवान। राष्ट्रीय समाचार पत्र पाइनियर हरियाणा पढ़ने के लिए डाउनलोड करें हमारी वेबसाइट पर प्रकाशित ई पेपर। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।